आदाब नाजरीन, टीवी टुडे 24 न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। हैदराबाद एमपी एआईएमएम पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मलकपेट एमएलए अहमद बलाला ने आज हलके मलकपेट में 150 एमएम और 32 मीटर्स के पाइपलाइंस का इफ्तिताह अमल में लाया है। इस मौके पर वहां के मुतल्लिका एरिया के आला अहदेदारों के साथ उन्होंने इंस्पेक्शन करते हुए सारे रोड का मुआयना किया। सपोटाबाग अकबरबाग डिवीज़न में मलकपेट हलके में अहमद बलाला के साथ कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। अहदेदारों के साथ अहमद बलाला ने दौरा करते हुए तमाम अहदेदारों को हिदायत दी। बहरहाल इस पाइपलाइन के काम के बाद मलकपेट की आवाम को अब सुकून और राहत की सांस मिल सकती है। इस मौके पर हलके मलकपेट के एमएलए अहमद बलाला के अलावा मुकामी कॉरपोरेटर्स, अकबरबाग डिवीज़न कॉरपोरेटर्स सैयद मिनाजुद्दीन और जीएचएमसी, एचएमडब्ल्यूएसएसबी, टीएसएस, पीडीसीएल के अहदेदार भी मौजूद थे। आइए देखते हैं इस खसूस में वहाँ के चंद मनाजिर। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं तहदिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पार्लिमानी इंतखाबात के अंदर जोर तरीके से निकल कर अपने उनका इस्तेमाल करकर मजलिसों के हर यूनियन और सदर मजलिस को भारी स्तरों से कामयाब करा। और बहाल यहाँ पर सल्तान में इधर से दराज से पानी के प्रेशर का मसला था, जो जुम्मन में हमने नुमाइंदगी करते हुए यहाँ पर एक भूस्तर का लगाने लगाया था कि ये जो प्रेशर है तो प्रेशर इम्प्रूव है और हमें उनको अच्छा पानी मिले। और हमने देखा कि जो हमने नुमाइंदगी की तो वो भी थोड़ा चेक कर कर वो रेक्टिफाई कराएंगे ताकि प्रेशर बढ़ने के बाद हम समझते थे कि पोल्यूशन खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ तक समझता हूँ कि बकेट क्लीनिंग का टेंडर भी आज होगा। आज 5 बजे बकेट क्लीनिंग का टेंडर खुल रहा है। जैसे ही बकेट क्लीनिंग का टेंडर खुल गया, जैसे एजेंसी अला थी प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर फलता ने सदराबाद के अंदर लगाने का। ठीक है ना, आप सबका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।